गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी हमारा नया सिलेबस का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये जो पेपर है बेटा जी आपका वो किसके साथ इंटीग्रेटेड है आप सभी जानते हैं। बिल्कुल, ये इंटीग्रेटेड है आपका इकोनॉमिक्स के साथ में। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, हमारी जो मैंने आपको सिलेबस समझाया था वहां पे मैंने आपको बताया था ना। बिल्कुल, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अब हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स में दो मॉड्यूल डिवाइडेड है, 40 मार्क्स का बीसीके और 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स। राइट, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? वेरी गुड। तो अब उसमें भी एक हमारा थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हमारा कुछ पार्शली पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव है, कुछ पार्शली पार्ट जो है सब्जेक्टिव है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हुए कि हमें किस तरीके से अपनी पूरी फाउंडेशन की तैयारी करनी है, और फाउंडेशन की जो तैयारी करनी है हमें उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। कहा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि आपके लिए जो भी टॉपिक्स डाले गए हैं वो बहुत ही जनरलाइज्ड मैनर में है। जैसे मैं इसी की बात करती हूँ, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बेटा जी, जैसे आपने 12th में 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था ना बेटा, बीएस पढ़ा था ना। बिल्कुल, बीएसटी जो आपका बिजनेस स्टडीज था उससे कुछ कुछ आपको पॉइंट्स जो है मैच करते नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे पूरा बिजनेस स्टडीज है। मैंने कहा कि कुछ कुछ पॉइंट्स लाइक बिजनेस वर्ड ही है जैसे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस स्टडीज पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडीज है, नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो मेरे जो सिलेबस है वो उससे डिफरेंट है, बट हाँ आपको थोड़ी सी फैमिलियर लैंग्वेज लगेगी क्योंकि आपने आप कॉमर्स बैकग्राउंड अगर है तो आपको ये जो लैंग्वेज है वो फैमिलियर लगेगी। ठीक है बेटा, तो अब हम आज आपके साथ में ये जो टॉपिक है हमारा जो पेपर है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले ये जो मेरा पेपर है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जहां पर आपको ये दो वर्ड नजर आ रहे होंगे बेटा, बिजनेस एंड कमर्शियल नजर आ रहे हैं बेटा। बिल्कुल, सभी को ये दो वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, बिजनेस एंड कमर्शियल। ये बिजनेस वर्ड और ये कमर्शियल वर्ड, ये नजर आ रहा है सभी को। तो ये जो दो वर्ड है ये हमें बहुत अच्छे से समझने होंगे। अच्छे से समझने होंगे का मतलब क्या हुआ? अब ये जो मैं बात आपसे बोल रही हूँ बेटा, अच्छे से समझने होंगे। अच्छे से समझने होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स हैं, बिजनेस का मतलब हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यों उसको इकोनॉमिक्स के साथ ही इंटीग्रेट किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है जी, जहाँ पर हमारा जो पूरी इकोनॉमी है वो क्या है, किस तरीके से है, पूरा इकोनॉमिक्स पूरा। ठीक है ना, जो हमारे जीडीपी क्या है, ग्रोथ लेवल क्या है, ये सब चीज़ें, पर कैपिटा इनकम, ये वो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। राइट, हमने क्या बेचा, क्या खरीदा, या हम कह सकते हैं कि किस इंसान की कितनी ग्रोथ वैल्यू है, या पूरे इंडिया की कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस किसके ऊपर फोकस कर रही है, कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन को, किसी बिजनेस को, किसी कमर्शियल एक्टिविटी को फोकस कर रही है। तो इसकी वजह से यानी इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हम जो पूरा जो अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, पूरा जो इको लेवल पढ़ेंगे कि हाँ जी हम एज अ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट, कोई भी पर्सन एज अ इकोनॉमिस्ट किस तरीके से किसी कंट्री को या किसी स्टेट लेवल को या किसी नेशनल लेवल को किस तरीके से देखता है, उसकी ग्रोथ को किस तरीके से देखता है। ठीक है, उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, उसका जो नेशनल इनकम है वो क्या है, ये सभी चीज़ें, एवरीथिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एवरीथिंग, और वो भी हर पार्ट पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने से पहले पर्सन को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कमर्शियल का मतलब क्या समझते हैं। कमर्शियल क्या होता है बेटा, कमर्शियल क्या होता है, ये जो वर्ड है कमर्शियल, जहां पर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है, क्या बोला बेटा जी मैंने, जहां पर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जो किसी, क्या कर रही है बेटा, जो किसी, ये जो कमर्शियल वर्ड है, यहां पर एक ऐसा
पॉइंट आ जाता है कमर्शियल में, आप ध्यान से देखें तो कॉमर्स वर्ड आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो कॉमर्स वर्ड आ रहा है, और यही ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, कॉमर्शियल कॉमर्स, यानी जहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, ये है कमर्शियल। बात समझ रहे बेटा? यानी जहां पर मेनली जो मॉनिटरी सिस्टम है, यानी हमारा जो मनी है वो आ रहा है बीच, पैसों के लेन देन से रिलेटेड एक्टिविटी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसके बिहाफ में आपने उससे पैसा, मनी या मनी वर्थ प्रोडक्ट कुछ भी, ठीक है, जो उसकी वर्थ को पूरा कर रहा हो वो लिया, ठीक है बेटा जी। जैसे सपोज कीजिए पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बहुत, मैं अगर बहुत सालों पहले की बात करूं तो पैसा लेन देन नहीं था। अगर किसी ने किसी को गेहूं चाहिए और किसी के पास ज्यादा चावल है तो वो क्या करते थे, आपस में लेन देन कर लेते थे, भैया ठीक है मेरे पास गेहूं ज्यादा है आपके पास चावल ज्यादा है, दोनों को गेहूं भी चाहिए दोनों को चावल चाहिए, तो मैं अपना आधा गेहूं आपको दे देता हूँ आप अपने आधा चावल, या जो भी उन्होंने अमाउंट अपना डिस्कस किया, प्रोडक्ट की जो वर्थ है डिस्कस की हो उस हिसाब से वो आपस में ले देते थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पहले इस तरीके से जो हमारी एक्टिविटीज होती थी वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वर्थ काउंट कर ली जाती थी कि हाँ अगर अब इसी अमाउंट में, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अब सब सिंपल सी बात है, कोई चावल में किसी को सोना चाहिए गोल्ड चाहिए तो वो तो नहीं मिल सकता ना उसी के एक किलो चावल दे दो और एक किलो सोना, नहीं, तो वर्थ के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वर्थ के अकॉर्डिंग उसको नापा जाता था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा जो लाइफ स्किल है, हमारा जो हम कह सकते हैं जनरेशन्स हैं, हमारी डेवलपमेंट्स हैं होती गई, वहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो प्रोडक्ट है, हाँ ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आज के डेट में कोई भी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट डेवलप करता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे रिटेलर या होलसेलर उसको क्या देता है, पैसा देता है। अभी अभी जो जनरेशन में क्या चलता है, हम पैसे देते हैं, हम खरीदने जाते हैं कुछ भी, अगर मैं एक शर्ट खरीद रही हूँ तो मैं उसके लिए 2000 रुपये पे कर रही हूँ या 3000 रुपये पे कर रही हूँ, अगर ठीक है मुझे लैपटॉप खरीदना है तो मैं उसके लिए 50000 रुपये पे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर अब जो मॉनिटरी सिस्टम है वो मनी हो गया, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल वर्ड है, ये वर्ड ही बेटा इसी से इंटीग्रेट हुआ है, या मैं कह सकती हूँ इसी से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, कि जहां पर पैसे की एक्टिविटी आ गई, जहां पर पैसा लेना और उसके बिहाफ पे कुछ देना, ये चीज आ गई तो वो एक्टिविटी कमर्शियल हो गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, बिल्कुल बहुत प्यार से बनाती हैं, आप जो कहते हो वो बनाती हैं ना, सब सारी मम्मियां बनाती हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे अगर आपके आपने आज कहा कि नहीं नहीं मम्मा मुझे तो राजमा चावल खाने हैं तो आपको राजमा आपके अकॉर्डिंग बना के देती हैं, क्या उसके बिहाफ पे वो आपसे पैसा लेती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो तो मम्मा तो और घी डाल के और प्यार से खिलाती है ना बेटा, वो एक्टिविटी कमर्शियल काउंट नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अब देखो ये जो वर्ड है बिजनेस, ये जो आपको वर्ड नजर आ रहा है बिजनेस बेटा जी, ये वर्ड जो बिजनेस वर्ड नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, हाँ, ये बिजनेस वर्ड किसको इंटीग्रेट कर रहा है या किसको समझा रहा है हमें? बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मतलब हुआ बिजीनेस। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है बिजीनेस, यानी जहां पर बिजीनेस हो, बट ये बिजीनेस, अब देखो मम्मी भी आपके लिए खाना बनाने में बिजी रह रही है, ठीक है जी। अब बिजनेस में दो प्रकार हो गए, दो टाइप्स हो गए, एक तो आपकी मम्मी जो आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, अब ये जो फूड बनाना हुआ आपकी मम्मी का, आपके लिए जो मील बना रही है, ठीक है, आपके लिए जो खाना बना रही है, ये कमर्शियल एक्टिविटी काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके बिहाफ पे आपसे कोई पैसा नहीं लेती। लेकिन जब आप यही खाना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं या रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, ठीक है, आपको भूख लगी, मम्मी घर पर नहीं है, तो आपने क्या किया, डोमिनोज पे कॉल किया और पिज्जा मंगाया, तो आपने डोमिनोज वाले को पैसा दिया? बिल्कुल दिया मैम, दिया था हमने, है ना, 350 रुपीज या 450 रुपीज या 100 रुपीज, जो भी आपने पैसा दिया। तो
जब यहाँ पर उसी एक्टिविटी में आपने तब भी खाना खाया और तब भी खाना खाया, खाया ना बेटा, यहाँ पर भी खाना खाया, यहाँ पर भी खाना खाया, भाई काम दोनों में एक ही हो रहा है, लेकिन मोटिव चेंज है देने वाले का। यहाँ पर मम्मी खाना बना रही है अपने बच्चे के लिए, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। जब यही रेस्टोरेंट वाला या कोई डोमिनोज या पिज्जा हट आप मंगा रहे हैं उससे पिज्जा, तो वहां पर उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है, वो आपसे उस पिज्जा के बदले कुछ चार्ज करेगा। बात समझ रहे बेटा? तो यहां पर जो मोटिव है वो क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा? जब आप उसको पैसा देंगे। आ गई ना मॉनेटरी टर्म्स, समझ गए बेटा? आ गया ना पैसा? यही चीज होती है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये जो दोनों वर्ड हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल, ये दो वर्ड आपस में इतने अप्रोप्रिएट मैनर में, इतने बढ़िया तरीके से इंटीग्रेटेड है कि भैया जब बिजनेस होगा तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल एक्टिविटी होगी, क्योंकि बिजनेस का जो मेजर मेजर पार्ट है क्या है? प्रॉफिट, जिसके लिए आप पैसा लेते हैं। तो जब पैसा आया तो एक्टिविटी क्या हो गई? कमर्शियल हो गई। बात समझ गए भैया? बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या समझा आज बेटा? अभी हमने क्या समझा कि बिजनेस क्या है और कमर्शियल क्या है, और ये दोनों ही शब्द, ये दोनों ही वर्ड आपस में इतने अच्छे से क्या है? जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। मैं ये भी कह सकती हूँ कि भैया बिजनेस, हम कहते हैं ना हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि ये जो एरिया है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो इसका मतलब क्या है? ये एक बिजनेस के लिए एरिया है। बात समझ रहे? ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आया ना कि ये कमर्शियल लैंड है, ये रेजिडेंशियल लैंड है, आप समझ रहे? होता है ना, बिल्कुल सेम हियर। जहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जो किसी का रेगुलर ऑक्यूपेशन हो, और जहां ऑक्यूपेशन आ गया, जहां प्रोफेशन आ गया, ठीक है, और वो प्रोफेशन जो है वो किसी प्रॉफिट, वो किसी प्रॉफिट, पर्टिकुलर प्रॉफिट मोटिव के लिए हो गया कि नहीं भाई मुझे तो पैसा कमाना है। बात समझ गए? ठीक है, आज मैं 1,00,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 10,00,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे उससे हर महीना 50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये जो मोटिव है ये कमर्शियल मोटिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। कोई भी इंसान जब अपना कैपिटल लगाता है और उस कमर्शियल एक्टिविटी को करता है जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहा है, या उस एक्टिविटी को करता है जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहा है, तो वो क्या कहलाती है बेटा जी? बिजनेस कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको अभी बहुत ही सिंपल तरीके से क्या बताया, हमारा जो पूरा, हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, या मैं कहूंगी हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसका मतलब क्या है। तो इस पूरे के पूरे सब हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट में हमें इसी की नॉलेज लेनी है कि भैया डेल क्या है, ठीक है, नहीं ICICI कंपनी क्या है, कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, ठीक है, किसने इस बैंक को बनाया, ठीक है, एक्सिस बैंक क्या है, ठीक है जी, या मैं कहूँगी इन्फोसिस किसने बनाया, किसने उसको, कौन फाउंडर मेंबर है उसका, क्या उसका मिशन है, क्या मोटिव है, ICICI का क्या मोटिव है, ICICI किसने फाउंडर मेंबर, ये सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ, ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है, कि किस को, जब हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हमारा क्या मोटिव होता है, हम उसको क्यों करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं बेटा, ये बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सब्जेक्ट है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो इतना प्यारा है कि आपके लिए अगर मैं स्कोरिंग वाली बात करूँ, ठीक है, तो स्कोरिंग वाली बात करूँ मैं, तो 40 नंबर में आपको मैं तो ये कहूँगी कि फ्री में बांट रहा है ICICI 40 नंबर आपको। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा, मतलब कम मेहनत में ज्यादा सामान, जैसे कहते हैं ना कि भाई लॉटरी लग गई आज, तो जनरली तो इतना, मतलब हम अगर किसी चीज को इतना पढ़ते हैं तब हमें इतने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं और 40 नंबर के हैं, और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, और 40 मार्क्स आपको बड़े प्यार से मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, सबसे हमारा चैप्टर नंबर वन है, चैप्टर नंबर वन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। क्या है बेटा ये चैप्टर हमारा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो पहली चीज जो मैंने बिजनेस के बारे में आपको अभी अभी बताई, ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने बिजनेस के बारे में आपको, कि कोई भी एक्टिविटी जब कमर्शियल मैनर में हो जाए, यानी इकोनॉमिक मैनर में, मैंने अभी भी बताया क्यों हमने इकोनॉमिक्स इस कोर्स को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो मोटिव है वो क्या है, और हम इसको यहाँ पर क्यों हमने ऐड ऑन किया, इस पेपर को क्यों ऐड ऑन किया, रीजन ही यही है बिजनेस समझाना। इकोनॉमिक्स सभी समझ में आएगी जब बिजनेस समझ में आएगी, ठीक है। तो जब हमने सबसे पहले चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या है बिजनेस, क्या है, मैंने अभी भी कहा जो एक्टिविटी कमर्शियल है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, किसी का प्रोफेशन, कोई एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी क्या है, ये बिजनेस, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ आप किसी को चैरिटी कर रहे हो, ठीक है ना, आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, या आपके पापा आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आए और आपको दिए खाने के लिए, तो वहां पर क्या है, ये क्या है, सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बुन के दे रही है आपको पहनने के लिए, ठीक है ना, कि बेटा बड़े प्यार से मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है, ठीक है, या आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी अच्छी सी डिश बनाई है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा। आपकी मम्मी पूरे घर को मेंटेन करती हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो क्या लेती हैं, आपसे प्यार, है ना, तो वो क्या है, मैं कहूंगी कि उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई आप वैल्यू लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना, मतलब उसको कोई कॉस्ट नहीं आप दे सकते कि हाँ ये इतने आप मम्मी ने हमें इतना प्यार किया तो वो इतने कॉस्ट में पूरा हो जाएगा, नहीं, राइट डियर, तो प्राइसलेस चीजें हैं ये, ठीक है, तो वहां पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और जहां पर आप किसी चीज को पे करते हो या पे कर सकते हो तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात समझ में आ गया, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अभी अभी मैंने आपसे आपको क्या बोला था, याद है बेटा, क्या बताया था मैंने, बिजनेस, क्या है बिजनेस, जहां पे इकोनॉमिक वर्ड आए, यानी बिजनेस की जब भी हम बात करेंगे, यानी ये वर्ड जो है बिजनेस, तो इसको हम सिंपली कहेंगे बिजी प्लस नेस प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू बिजनेस। यानी जहां पर बिजनेस हो, बिजनेस, ठीक है, और उसके बिहाफ पे आपको क्या मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, बिल्कुल मैंने यहां पर सिंपली डेफिनेशन लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा जी, मैं इसको अलग डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कर रही हूं, क्या है डेफिनेशन में, एन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर वन अनदर और फॉर मनी। यानी यहां पर हमारा जो मेजर पार्ट है, या मैं कह सकती हूं हमारा जो मेजर मोटिव है, वो क्या है, क्या कमाना है बेटा जी, मनी, पैसा, देख रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, मनी के लिए, पैसे के लिए, बात समझ गए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये गुड्स भी हो, कोई फिजिकल गुड भी हो सकता है या कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, जिसके बिहाफ पे हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो हर बिजनेस क्या रिक्वायर, सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कैपिटल लगती है, मैंने 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, ठीक है, और कस्टमर्स जो जहां पर हमें हर बिजनेस में क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए हमें, जिसको हम अपना प्रोडक्ट बेच सकें, ठीक है। तो होम इट्स आउटपुट कैन बी सोल्ड ऑन अ
कंसिस्टेंट बेसिस। तो यहां पर मैं इस पार्ट को बेटा जी आपके साथ हाईलाइट कर रही हूं। क्या कह रहा है वो, हर बिजनेस, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनफ कस्टमर्स टू हूम इट्स आउटपुट कैन बी सोल्ड, राइट, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। सिंपल मैंने क्या कहा, मोटिव क्या होगा, पैसा बनाना। ठीक है, बिजनेस कैन बी प्राइवेटली ओन्ड, भाई बिजनेस प्राइवेटली ओन्ड हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट और स्टेट ओन। यहां पर मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि कोई भी बिजनेस जो है अपना खुद का प्राइवेटली ओन्ड है, और स्पेसिफिकली वो किसी, मतलब किसी स्टेट के या किसी और के प्रॉफिट के लिए नहीं करते। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस किसी और के प्रॉफिट के लिए हो। ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करते कहती हूँ। अगर आप कहीं के एम्प्लॉई हैं, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने कंपनी के बिहाफ पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई प्राइवेट बिजनेस है तो वो आप अपने बिजनेस के लिए करें। तो ये डिफरेंस है जो ये लाइन बोल रही है। ठीक है बेटा, तो अब हर बिजनेस में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने अभी आपको समझाया था बेटा, एक ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हर सोसाइटी में, हर जगह कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। जैसे मैंने बोला आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो ये मानी जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने उसके बिहाफ पर पैसा दिया है। बात समझ गए बेटा, तो ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जहां पे हर सोसाइटी में आपस में लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक मैं सिंपल छोटी सी चीज बोलूंगी कि एक दूध वाला, ठीक है, आप उसकी जरूरत क्या है, उसको पैसा चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आपको दूध चाहिए, तो वो आपको दूध दे रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो। ठीक है, उस पैसे से वो अपनी भैंसों को संभाल रहा है, अपने घर परिवार को चला रहा है। ठीक है, आप जो दूध ले रहे हैं वो आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, राइट, जो पैसा आपने उसको दिया वो आगे उसको और आगे अपने बच्चों को की परवरिश में खर्च कर रहा है। तो ये क्या है, ये चेन है डियर, जो एक दूसरे की नीड को पूरा कर दी जाती है, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो मैंने अभी अभी कहा, दो टाइप्स की हैं बेटा। मेरे पेज नंबर ओपन कर लेंगे बेटा जी, यहाँ पे ये जो बुक मैंने आपको, सबके पास होगी बेटा, हाँ प्लीज ओपन करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 1। हाँ बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, दो टाइप की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने चैरिटी लिखा हुआ है, कुकिंग एट होम लिखा हुआ है, जो आपकी फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आप सोशल वेलफेयर करते हैं, ठीक है, अपने किसी अपने रिलीजन के लिए अगर आप कुछ करते हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो नीचे मैंने उसको और एक्सप्लेन किया हुआ है डेफिनेशन में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसी पेज पे बेटा ध्यान देंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, दोज एक्टिविटीज हुज एम्स टू अर्न मनी। क्या कहता है बेटा, मैंने यहाँ पर देखिए, ये आपको डायग्राम मेरी बुक में मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये आपको मेरी बुक में भी मिलेगा, पेज नंबर 1 पे है बेटा ये डायग्राम। Those activities whose aim is to earn money, तो वो क्या होंगे, economic activity, क्या होंगे बेटा, economic activity, और वो activity, those activities whose aim is not to earn money and to create wealth but to satisfy social, psychological and emotional needs,
ये क्या कहलाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है बात? अब मैंने इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया है, देखेंगे बेटा जी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है। एक टीचर जब स्कूल में टीच करती है, ठीक है, एक टीचर जब कहां टीच करती है? स्कूल में टीच करती है, टीचिंग इन अ स्कूल, और पीपल वर्किंग इन अ फैक्ट्रीज, ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। लेकिन जब वही टीचर, अ टीचर टीच हिज और हर सन और डॉटर एट होम, तो वो क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी वही टीचर जब स्कूल में पढ़ा रही है, वहां पर भी पढ़ा रही है, यहां पर भी पढ़ा रही है, लेकिन जब स्कूल में पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही जब वो घर में पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पढ़ाना वहां भी है, पढ़ाना यहां भी है, डिफरेंस समझ लीजिएगा बेटा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। पढ़ाना वहां भी है, पढ़ाना यहां भी है, लेकिन यहां जो घर में पढ़ा रही है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वहां पर उसकी इमोशन, उसकी जो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ एज अ मदर उसका जो एक फीलिंग है अपने बच्चों के साथ में, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं पर वो जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ हाउसवाइफ कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, जो मैंने पहले भी दिया एग्जाम्पल, तो वो क्या कहलाएगी? मम्मी खाना बनाती है आपके लिए, तो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया है बेटा अभी आपको, और यहाँ पर मैंने और भी छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देके उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम थोड़ा सा और डीप लेवल में जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट डियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जहां पर हम कह सकते हैं कि हमें मेजरली जो हमारा मोटिव होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आएगी वहां पर सिंपली एम इज क्या है? टू मेक प्रॉफिट ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, यहाँ पर भी इस डायग्राम में मैंने यही लिखा है, यही दर्शाया है आपको कि कोई भी काम कर रहा है, कोई पेट्रोल वाला पेट्रोल भर रहा है उसके बिहाफ पे पैसे ले रहा है, ठीक है, अगर कोई फार्मर फार्मिंग कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहा है, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए चला रहा है, कुछ भी कोई काम कर रहा है एज अ प्रोफेशन, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, तो वो सब प्रॉफिट मेकिंग तो है ना, मतलब सबको पैसा कमाना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो द प्राइमरी एम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्राइमरी, जो मैंने अभी अभी कहा बेटा, प्राइमरी क्या है? एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी समझा चुकी हूं, फिर दोबारा एक बार कि क्या है? जहां पर अर्निंग मोटिव नहीं हो, नॉट फॉर अर्निंग बट फॉर सोशल सर्विस, ठीक है, और इमोशनल पार्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, अफेक्शन, लव, ये सब चीजें आती हैं, अटैचमेंट्स, ये सब चीजें आती हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये दोनों पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं और दोनों को मैंने अलग अलग आपको समझा दिया है। तो ये दो आपको बेटा बुक में से देखेंगे बेटा जी, बाकी सब चीजें मैंने बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, आप एक एक करके उसको पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी वर्बली समझाया है और यहाँ दिखाया है ना, स्क्रीन पे दिखाया है, वो सारी चीजें यहाँ पर बुक में भी है और उनको मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर रखा है। तो मैंने अब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट ले लिया है, अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है बेटा, यस, अब हमारे चार बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है बेटा जी? चार बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं।
बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, चार बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। अब ये जो मेरे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ वन इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि सोल मोटिव तो मेरा इकोनॉमिक है। मैं कोई भी बिजनेस है उसका जो मेजर मोटिव होता है, पहला मोटिव और सोल मोटिव तो है, मतलब जिसके बिना वो चल नहीं सकता। अगर कोई बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं सकती, कहीं एक ना एक दिन वो बेचारी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मोटिव हमने इसीलिए इकोनॉमिक रखा है क्योंकि हमें पता है कि अगर ये नहीं होगी तो हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं चल सकता। सिंपल सी बात है। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है जी, क्या है बेटा जी? प्रॉफिट मोटिव। So every business is started for earning profit because profit is the asset test of every business. ठीक है, earning of profit can be made when exchange of goods takes place. So every business has the objective of production of goods or services. ठीक है, अगर goods and services होंगी तभी आप उसको बेच सकते हैं और तभी आप profit पर कमा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा economic objective. सेकेंड इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है बेटा जी? जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, लाइक आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, या आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आप उनका वेलफेयर भी देखोगे, यानी आपको उनको भी एज अ वेलबींग पर्सन उनका भी ध्यान रखना है। यू हैव टू केयरफुल अबाउट दी और यू हैव टू कंसिडर दी वेलबींग ऑफ शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो। ठीक है, तो वहां पर हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपका एम्प्लॉय है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आजकल तो आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज को कितने पर्क्स देते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्क्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कंज्यूमर को आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, एक वेल पैक्ड प्रोडक्ट देंगे, फ्रेश प्रोडक्ट देंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, हाइजीनिकली जो प्रोडक्ट देंगे, सही प्राइस पे प्रोडक्ट देंगे, कन्वीनियंट मैनर में देंगे, तो वो क्या है? वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा जी? जहां पर हमें हमारी सोसाइटी के लिए हम ध्यान देते हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है से नो टू पॉलिथिन बैग्स, ठीक है ना, तो वो क्या है? हर बिजनेस जो भी, अब एक छोटे छोटे दुकानदारों को मना किया जा रहा है कि भाई पॉलिथिन बैग्स मत यूज करो, पेपर बैग यूज करो, रिसाइकलेबल बैग यूज करो। ठीक है, तो ये क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हमें बिजनेस में कंसिडर करने पड़ते हैं, जो हमारे सोशल हम कह सकते हैं हमारे जो सोशल पार्ट पर हम उसको कंसिडर करते हैं कि भाई अगर हम अच्छी और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, हमारे प्रोडक्ट से किसी को नुकसान ना पहुंचे या इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, तो ये सारी चीज़ सोशल ऑब्जेक्टिव में आती है। नेक्स्ट वन इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ डियर, जहाँ पर हम अपने बिजनेस के थ्रू, अपनी इंडस्ट्री के थ्रू सोसाइटी को, नेशन को पूरे अपने कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, अगर हम जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कोई भी हमारे अगर कोई किसी नेशन में या किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में कोई अगर आपदा आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम अपने नेशन के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम अपने नेशन के लिए कुछ ऐसे स्किल्ड जनरेट करें कि हमारी कंट्री को उससे बेनिफिट हो। ठीक है, या हम आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा करें, ये भी नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, या हम बहुत अच्छी चीज़ों को डेवलप करें, मेडिसिन डेवलप करें, ठीक है, या क्लीन इंडिया, ये भी नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव ये दोनों बहुत ही मैच करते हैं क्योंकि ये दोनों ही नेशन के लिए हम कंसिडर करते हैं, राइट डियर?
तो ये मेरे चार थे बेटा जी बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बिजनेस में इसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है डियर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ बेटा जी, अभी मैंने बोला कि भैया बिजनेस में प्रॉफिट का रोल सबसे बड़ा है। बिजनेस में क्या है बेटा जी, प्रॉफिट का रोल बहुत बड़ा है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बिजनेस में प्रॉफिट का रोल सबसे बड़ा है। तो ये मैंने आपको डियर अभी अभी बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करवा देती हूँ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में जैसे मैंने आपको क्या कहा बेटा, किसको रेफर करता है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट अर्निंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, रेगुलर इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि जैसे हम अगर रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज करते हैं तो कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट ही होता है एक तरीके का। प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और रेगुलर इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है डियर, जहाँ पर हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को की जो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं, राइट। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि अच्छी प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, ठीक है, रनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे लोग ऐसा कंपनियां हैं जो फ्री स्कूल और कॉलेजेस चला रही हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में तो ये एक अभी भी जैसे मैंने बताया आपको, वेलबींग एज अ एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑल्सो ऑफ पीपल हु आर डिसेबल्ड, लाइक हैंडीकेप्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से उनकी मदद करना, वो भी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, इन सब के लिए। अब आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ पे नेशनल नेशन रिगार्डिंग, जैसे अर्न रिवेन्यू फॉर इट्स गवर्नमेंट, ठीक है, आप प्रॉपरली इनकम टैक्स भरें, ठीक है, आप प्रॉपरली जीएसटी भरें, तो ये नेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिजनेस को एक प्रॉपर गवर्नेंस में, या हम जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, उसमें हम उसको हम सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट के उसको फॉलो करें, तो ये नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, राइट। यहां तक समझ में आया बेटे जी? तो अब उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रोल ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोला मैंने अभी अभी, मैं जितना भी बताती आई हूँ आपको, मेजरली हमारा जो बिजनेस का मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट है, और उसका रोल सबसे बड़ा है बिजनेस में, ठीक है, क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, प्रॉफिट, पैसा आएगा, बिजनेस चलेगा कैसे, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, पैसा आएगा तो चलेगा, एक्सपेंशन कैसे होगी बिजनेस की, पैसा बने बनेगा तो होगी एक्सपेंशन होगी, यानी प्रॉफिट होगा। आप देखो कितनी चीजें जुड़ी हुई है बेटा, कितनी चीजें जुड़ी हैं, प्रॉफिट होगा तो क्या क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो सोर्सेज, नए नए सोर्सेज आएंगे इनकम के, प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कंटिन्यूटी होगी, प्रॉफिट होगा तो बिजनेस की एक्सपेंशन होगी, प्रॉफिट होगा तो हम जो हमारी हम रिवार्ड दे सकते हैं, रिस्क बेयरिंग हमारी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, यानी हम और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और प्रॉफिट हमारी एफिशिएंसी को और इनहेंस, और बिल्कुल और ज्यादा इंक्रीज और इनहेंस करेगा, राइट डियर। यहां पर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस किससे बढ़ेगी, प्रॉफिट से बढ़ेगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सोल मोटिव है, बट सिर्फ बिजनेस का जो प्रॉफिट ही सोल मोटिव है हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि बिजनेस हमारा जो मनी है, मनी के अलावा भी हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी हमारे हमारे हम कह सकते हैं हमारे बिजनेस प्रोफेशन या हमारे बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज का एक कड़वा सच है कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट
बहुत जरूरी है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। ठीक है बेटा, तो आज के पॉइंट में हमने अभी तक यही किया है, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को।